सर बोलो। सर वो आपने एक क्वेश्चन कराया था ना, वो हेक्सागन वाला, जिसमें आप वो चार्ज को डिस्प्लेस कर रहे थे पिछले लेक्चर में। उसमें मुझे एक डाउट ये था कि आपने डिस्प्लेस करने के बाद क्यू माइनस क्यू और क्यू प्लस क्यू लिखा था, तो आपने 2q और 0 लेके क्यों नहीं सॉल्व किया? मतलब हाँ वो बताता हूँ। ऐसा लिया होगा बच्चों कि यहाँ पे क्यू है, यहाँ पे क्यू है, इनिशियली क्यू है और सेंटर पॉइंट पे एक सपोज स्मॉल क्यू। अगर मैं पूछूं कि व्हाट इज द फोर्स ऑन दिस चार्ज जो सिमेट्रिकल है ना, तो जितना ये लगा है बच्चों ये उसको बैलेंस कर देगा, इसका ये बैलेंस कर देगा, इसका ये बैलेंस कर देगा, सिमेट्रिकल है तो नेट फोर्स क्या हो जाएगा, जी। क्लियर? अब क्या किया यस सर, इसको, इसको क्या किया, इस क्यू को ना इसको यहां ले आया, ठीक है। तो एक्चुअली में यहां पे हो गया जीरो चार्ज, यहां हो गया टू क्यू चार्ज। का इसको बेहतर ऐसे समझो कि यहाँ पे प्लस क्यू है चार्ज और प्लस क्यू और है, यहाँ पे जीरो की जगह पे एक प्लस क्यू और एक माइनस क्यू, ठीक है। सर पर आपने वैसा क्यों क्यों बस वो जानना। हाँ बता, इसको समझने के लिए ऐसे सोचो कि अगर प्लस क्यू है तो देखो प्लस क्यू प्लस क्यू प्लस क्यू प्लस क्यू प्लस क्यू सब में प्लस क्यू है, तो इफेक्टिव क्या हो जाएगा उसका, जीरो। जीरो इसे प्लस क्यू वाला लिया। अब क्या बचा, बचा हुआ क्या रह गया, यहाँ का एक प्लस क्यू बचा रहेगा और एक माइनस क्यू बचा रहेगा, बिकॉज ये इंक्लूड हो गया, ये इंक्लूड हो गया, ये सब इंक्लूड हो गया। आई बात समझ में? तो अब कितना बचा हुआ है, एक प्लस और एक माइनस, इस प्लस के कारण इधर और इस माइनस के कारण इधर, तो सिर्फ दो फोर्स के कारण लिखना पड़ा है ना। आई बात समझ में? सर, अगर हम एक लेके करेंगे 2q तो भी तो आंसर आएगा ना। तो यस यस तो भी आएगा, लेकिन ये समझने के लिए थोड़ा देखने थोड़ा आसान हो जाता है कि यस बाकी सब सिमेट्री से जीरो बचा ही है दोनों इसके कारण, ठीक है। तो बस वो समझने के लिए मैंने कहा कि ऐसे मान सकते हो। चलो और कोई डाउट? नो सर, तो आज हम लोग जो एक नया कंसेप्ट सीखने वाले हैं, दैट इज कॉल्ड कंसेप्ट ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। ये क्या है कंसेप्ट और इसके बाद की जो चीजें होगी ना, वो मोस्टली आगे मैक्सिमम जगह पे हम लोग इलेक्ट्रिक फील्ड ही डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले हमने क्या देखा अभी कि दो चार्जेस कितना फोर्स लगा रहा है वो देखा, दो से ज्यादा चार्जेस हैं तो कितना फोर्स लगा रहा है वो देखा। अब हम लोग डिस्कस कर रहे हैं कि व्हाट इज इलेक्ट्रिक फील्ड, कंसेप्ट ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। थोड़ा सा थ्योरी है, ये कंसेप्ट इसलिए पढ़ते हैं कि हमें जो फोर्स है जो इंटरेक्शन है उसको थोड़ा और बेहतर तरीके से समझ सकते हैं, थोड़ा बेहतर तरीके से एनालाइज कर सकते हैं, सिस्टमेटाइज कर सकते हैं, उसके लिए हम ये कंसेप्ट पढ़ रहे हैं। बच्चों ये क्यू और ये क्यू पे फोर्स लगा रहा है, सारे बच्चे ज्वाइन कर लिए क्या? अभी तक 28 ही आए। तो
मनोली अभी तक सीरियल नंबर्स नहीं ज्वाइन की हो, मानस सीरियल नंबर्स नहीं ज्वाइन की हो, जल्दी सर किया मैंने। हाँ आप कर लिए। देखो बच्चों, ये जो इलेक्ट्रिक फोर्स है ये एक चार्ज दूसरे चार्ज पे फोर्स लगाया विदाउट फिजिकल इंटरेक्शन, मतलब टच नहीं करता, दूसरे फोर्स लगा रहा। ऐसे फोर्सेस को हम बोलते हैं एक्शन एट डिस्टेंस। ऐसे कुछ फोर्स का नाम बता सकते हो क्या, जैसे इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स हो, और कोई फोर्स बच्चों? नेचर ग्रेविटेशन फोर्स। और कोई फोर्स? मैग्नेटिक। मैग्नेटिक बहुत बढ़िया। तो बच्चों जितने भी ऐसे फोर्सेज हैं, हालांकि शायद अभी पढ़ाया नहीं न्यूटन लॉ में, बताऊंगा कि ये सारे फोर्सेज जो लोग जान रहे हैं वो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स है। बट ऐसे कॉमन लाइफ में देखें तो स्प्रिंग फोर्स है, टच कर रहा है, एक रॉड से किसी को पुश कर दिया है ना, तूने किसी को पंच मार दिया, तो वहां पे एक फिजिकल कॉन्टैक्ट हुआ, फ्रिक्शन फोर्स है। बट यहाँ पे जो भी डिस्कस कर रहे हैं एक चार्ज दूसरे चार्ज पे, ये फिजिकल कॉन्टैक्ट में नहीं है, एक्शन एट ए डिस्टेंस। ऐसे फोर्स को पढ़ने के लिए हम लोग फील्ड का कंसेप्ट यूज करते हैं। अब इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स है इसलिए इसको बोलेंगे इलेक्ट्रिक फील्ड। ग्रेविटेशन का फोर्स होगा बच्चों तो वहां बोलेंगे ग्रेविटेशनल फील्ड। मैग्नेटिक फोर्स होगा वहां पर बोलेंगे मैग्नेटिक फील्ड। तो मैं ओवरऑल एक कंसेप्ट पढ़ा रहा हूं, व्हाट इज द कंसेप्ट ऑफ फील्ड। इट क्लियर? मैग्नेटिक फील्ड ऐसा ही होगा, ऐसा ही ग्रेविटेशनल फील्ड होगा, ऐसा ही तुम्हें लोगों जो फोर्स बताया उसी पे मैंने बताया बच्चों। तो देखो हमने क्या किया, फोर्स ऑन क्यू बाय कैपिटल क्यू, मतलब इस टाइप के फोर्सेस को दिस कैन बी अज्यूम्ड एज टू स्टेप प्रोसेस। इसको दो स्टेप का प्रोसेस मान सकते हैं। सर दो स्टेप क्या है? तो स्टेप वन, ये इस पे कैसे फोर्स लगा रहा है इसको हम टू स्टेप प्रोसेस मान रहे हैं। फर्स्ट स्टेप इज कि बिकॉज ऑफ प्रेजेंस ऑफ क्यू, खुद के प्रेजेंस के कारण इट क्रिएट्स सम फील्ड इन इट्स सराउंडिंग। फील्ड का मतलब इट मॉडिफाइज प्रॉपर्टीज ऑफ सराउंडिंग इन सर्टेन वे, कुछ चेंजेस लाता है सराउंडिंग में, इसका अपना इंपैक्ट डालता है सराउंडिंग के प्रॉपर्टीज पे, उसी को कहते हैं इट क्रिएट्स ए फील्ड। पहला स्टेप क्या है? बताया बच्चों फील्ड क्रिएट किया, मतलब फील्ड क्रिएट करने का मतलब इट मॉडिफाइज द प्रॉपर्टीज ऑफ सराउंडिंग इन सर्टेन वे। कुछ चेंजेस लाता है, सम चेंजेस, इट ब्रिंग सम चेंज, उसी को कहते हैं इट क्रिएट्स फील्ड। अब इसका एक छोटा सा एग्जांपल देता हूं, वो थोड़ा सा विजुलाइजेशन के लिए। सोचो कि एक सर्दी का मौसम है ना, कोई दिल्ली साइड रहा होगा तो पता चलता है कि ठंड कितनी जबरदस्त होती है। कोई दिल्ली का है? दिल्ली रहा है कभी ठंड में? एनीवन? दिल्ली या राजस्थान? यस सर, दिल्ली में 2 इयर्स रही थी। तो वहां की क्या भयंकर ठंड होती है ना सर्दियों में। तो बच्चों अगर देखते होगे कि वहां पे क्या होता है कि रूम में ना हीटर जला देते हैं, हीटर लगा दिया, स्विच ऑन कर दिया, हीटर गर्म हुआ। अब अगर जो हीटर के पास अगर तुम बैठे हो बच्चों तो एक अलग गर्मी महसूस होगा, दूर रहोगे तो थोड़ा कम गर्मी महसूस होगा, और दूर रहोगे तो अलग होगा। So, अपना हीटर ने अपने प्रेजेंस के कारण सराउंडिंग के प्रॉपर्टी को मॉडिफाई किया, सराउंडिंग में कुछ चेंज लाया है ना।
नो कि हीटर रखेंगे, हीटर के पास हाथ रखो तो कैसा फील होता है, दूर रखो तो कैसा होता है, और दूर जाओ। तो जस्ट समझने के लिए कह रहा हूँ बच्चों की, कह सकते हैं कि हीटर ने उस पूरे रूम में एक टेम्परेचर फील्ड क्रिएट किया, तो डिफरेंट पॉइंट पे डिफरेंट, अलग पॉइंट पे अलग टेम्परेचर, यू फील द चेंजेस। वैसे ही समझो एक चार्ज है, एक चार्ज सराउंडिंग के हर पॉइंट पे अपना एक इम्पैक्ट छोड़ा है, सराउंडिंग के कुछ प्रॉपर्टीज को मॉडिफाई किया है, उसी को कहते हैं इट हैज क्रिएटेड फील्ड। क्या कुछ सेंस समझ में आ रहा है, कुछ विजुलाइज हो रहा है? मैंने हीटर का जो एग्जांपल दिया उससे कुछ तो yes, sir. अब सुनना बच्चों, जैसे हीटर घर में है, तुमने हीटर के पास जाके हाथ रखा गर्मी महसूस हुई, दूर रखा थोड़ा कम गर्मी महसूस हुई, और दूर रखा थोड़ा और कम गर्मी महसूस हुई। सो तुमने वो हॉटनेस फील किया इफ यू प्लेस्ड योर हैंड देयर, तुम नहीं हो तो भी रूम में तो वो टेम्परेचर है, टेम्परेचर फील्ड है। वैसे ही ये जो चार्ज है बच्चों, ये सराउंडिंग के हर पॉइंट पे एक फील्ड क्रिएट किया। अब अगर कोई चार्ज यहां पे है, देखो ये पहला स्टेप हो गया, सेकेंड स्टेप, तो उस फील्ड में अगर कोई चार्ज प्लेस्ड है तो यहां का फील्ड, इस पॉइंट का जो फील्ड जो इसने क्रिएट किया है, द फील्ड इंटरैक्ट्स विथ द चार्ज स्मॉल क्यू। स्मॉल क्यू पे कौन फोर्स लगाएगा? वहां का फील्ड। मतलब स्मॉल क्यू हो या ना हो, फील्ड तो वहां है, अगर कोई चार्ज वहां रहा तो वो फील्ड उस पर फोर्स लगाएगा। तो सेकेंड स्टेप क्या है, इफ ए चार्ज इज प्लेस्ड at any point, then field at that point interact मतलब force लगा, interact with the चार्ज क्यू। बच्चों ये थ्योरेटिकल है, बहुत टाइम लिया, हालांकि एक शब्द में कोई इतना बताता भी नहीं है। हमने अभी क्या पढ़ा, दिस क्यू चार्ज विल अप्लाई फोर्स ऑन अ स्मॉल क्यू, दिस कैन बी एज्यूम्ड एज ए टू स्टेप प्रोसेस। फर्स्ट स्टेप इज बिकॉज ऑफ प्रेजेंस ऑफ क्यू, अपने प्रेजेंस के कारण सराउंडिंग में कुछ चेंज लाया। अब उस सराउंडिंग के किसी पॉइंट पे अगर कोई चार्ज है तो उस पॉइंट का चार्ज, उस पॉइंट का फील्ड इस चार्ज से इंटरैक्ट करेगा। क्लियर? अब देखो ये इस पॉइंट पे भी चार्ज फील्ड क्रिएट किया, तो यहां पे अगर सपोज क्यूबन चार्ज है, क्यूबन चार्ज पे कौन फोर्स लगाएगा? यहां का फील्ड। इज इट क्लियर? सर वहां का फील्ड का मतलब क्या हुआ, मतलब आपने जो बोला Q1 पे वहां का फील्ड? हाँ, अब Q1, अब जैसे अलग अलग हर पॉइंट पे इसने फील्ड क्रिएट किया, जैसे मैंने कहा ना हीटर का जो एग्जांपल दिया बच्चों, वो थोड़ा सा विजुलाइज हो जाएगा तो पूरे अच्छे समझ में आ जाएगा कहानी, क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड का कंसेप्ट समझ में आ गया तो अच्छे से कर पाओ। हीटर रखा हुआ है यहाँ पे, हीटर गर्म हुआ है ना, यहाँ पे हाथ रखोगे तो कितना गर्मी महसूस होगा, इस पॉइंट का टेम्परेचर कहो। मैंने कहा कि हीटर ने रूम में टेम्परेचर फील्ड क्रिएट किया, यहाँ का टेम्परेचर फील करोगे तुम, दूर रखा तो वहां का टेम्परेचर तुम्हें महसूस होगा। इज इट क्लियर? यस सर। तो वैसे ही अगर तुमने हाथ यहाँ पर नहीं रखा तो भी यहाँ पे तो जो टेम्परेचर है वो तो है ना, अगर तुमने हाथ रखा तुम्हें यहाँ का टेम्परेचर महसूस हुआ। थोड़ी बात समझ में आई? यस सर। हीटर यहाँ पे है, इस पॉइंट पे एक आदमी बैठा हुआ, उसको अलग गर्मी महसूस होगा, इधर दूसरे जगह पे कोई दूसरा आदमी बैठा हुआ, तीसरे जगह पे कोई तीसरा आदमी बैठा हुआ, वहां का टेम्परेचर उसको महसूस होगा। ठीक है, तो
दिस इज टू स्टेप प्रोसेस, हमने क्लियर कर दिया। अब हमारा क्योंकि सर ये फील्ड जो बार बार बोल रहे हो तो समझ में आ रहा है फील्ड है क्या, कैसे डिफाइंड है ना। तो हाउ फील्ड इज डिफाइंड, मतलब मैं कहूं कि हाउ, यहां पर अभी डिस्कस करें हाउ इलेक्ट्रिक फील्ड इज डिफाइंड। इलेक्ट्रिक फील्ड कौन क्रिएट करता है बच्चों, चार्ज। तो हो सकता है सराउंडिंग में बहुत सारे चार्जेस हो, किसी पर्टिकुलर पॉइंट पे जो भी सिस्टम ऑफ चार्जेस कितना इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस कर रहा है उसका डेफिनेशन दे रहा हूं। डेफिनेशन कैसे हम निकालेंगे, हाउ इट इज डिफाइंड, देखना बच्चों। सपोज इस पॉइंट पे मुझे इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है क्रिएटेड बाय एनीवन जो भी है। अगर सपोज हमने यहाँ पे क्यू चार्ज रखा, इसको बच्चों बोलते हैं टेस्ट चार्ज, ये लिख लेना नोटबुक। एक चार्ज क्यू रखा जिसको बोलेंगे टेस्ट चार्ज, टेस्ट कर रहे हैं कि एक्चुअली में यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड है या नहीं है, है तो उसका डायरेक्शन क्या होगा। ये बच्चों टेस्ट चार्ज में विल एक्सपीरियंस सम फोर्स हियर, सम इलेक्ट्रिक फील्ड एक्सपीरियंस करेगा क्यू चार्ज है। तो अगर इसने फोर्स सपोज एनी हाउ हमने निकाल लिया कि एफ एक्सपीरियंस किया है क्यू चार्ज है, तो अगर सपोज यूनिट चार्ज होता है तो कितना फोर्स एक्सपीरियंस करता है, तो एफ बाय क्यू, दिस इज कॉल्ड इलेक्ट्रिक फील्ड एट दैट पॉइंट। बच्चों दिस इज द डेफिनेशन, इस पॉइंट पर को पॉइंट पे कितना इलेक्ट्रिक फील्ड है, फिर से बता रहा हूं। क्या किया हमने, एक टेस्ट चार्ज लाया, टेस्ट चार्ज अगर इफ इट एक्सपीरियंस एफ फोर्स, तो यहां पे इलेक्ट्रिक फील्ड होगा एफ अपॉन क्यू जो टेस्ट चार्ज का वैल्यू। तो देयर इज अ कॉमन मिस्टेक्स बच्चों में, इनफैक्ट टीचर्स भी जो नए टीचर्स होते हैं उनमें दिक्कत होती है, कंसेप्चुअल मिस्टेक होता है। क्यों बोलते हैं टेस्ट चार्ज क्या होना चाहिए, तो बोलते हैं बच्चों यूनिट, गलत। टेस्ट चार्ज शुड बी स्मॉल, लिख लेना, और कितना स्मॉल, जितना स्मॉल पॉसिबल हो, जितना स्मॉल रहेगा उतना हमारा एक्यूरेट रहेगा डेफिनेशन। क्यों शुड बी स्मॉल, अब बताऊंगा कि स्मॉल क्यों। और दूसरा कंडीशन बच्चों Q शुड बी पॉजिटिव, जो टेस्ट चार्ज ले रहे हैं वो पॉजिटिव। कहोगे सर Y पॉजिटिव, दिस इज कन्वेंशन। ये कन्वेंशन मतलब यही लिया, जैसे इलेक्ट्रॉन्स के चार्ज को निगेटिव बोलते, क्यों निगेटिव बोलते हैं, इज देयर एनी निगेटिव काइंड ऑफ थिंग, मैंने समझाया था नहीं, कन्वेंशन मान लिया, इलेक्ट्रॉन्स के चार्ज को निगेटिव मान लिया सर। सर जो क्यू कैपिटल क्यू चार्ज जो फोर्स लगा रहा है उसको क्या बोलेंगे, जैसे स्मॉल क्यू को टेस्ट है। कैपिटल क्यू जो फोर्स लगाएगा, ये तो अभी हमें निकालना है कैपिटल क्यू, सॉरी ये तो दो चार्जेस के बीच का फोर्स कूलम्स लॉ बताएंगे। अब एक्चुअली एक सोचो कि एक प्रैक्टिकल सिचुएशन है कि चार्ज का डिस्ट्रीब्यूशन है और हमें इस पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना, तो कैसे करेंगे। तो मैंने कहा टेस्ट चार्ज लाओ और देखो इस टेस्ट चार्ज पे कितना फोर्स लग रहा है, अब कोई टेक्निक होगा टू फाइंड द फोर्स। हमने निकाल लिया एनी हाउ कि एफ लग रहा है, एफ बाय क्यू को बोलते हैं इलेक्ट्रिक, मतलब अगर डेफिनेशन वाइज देखो तो इलेक्ट्रिक फील्ड क्या है, फोर्स ऑन यूनिट चार्ज। इलेक्ट्रिक फील्ड का डेफिनेशन क्या हो जाएगा बच्चों, इलेक्ट्रिक फोर्स ऑन, लेकिन बच्चों बताना यूनिट चार्ज, यूनिट तो होता है वन कूलम, वन कूलम क्या बताया था, छोटा चार्ज है बहुत बड़ा चार्ज है, बताया था क्या, बहुत बड़ा चार्ज है बच्चों। तो अगर तुम वन कूलम का चार्ज अगर ले आए ना, समझना कि वाई स्मॉल, मैं यहां पे से बोल देता हूं, लिखूंगा नहीं, वाई वाई स्मॉल, वाई पॉजिटिव लिख दी। अगर बच्चों हमने
एक कुलम का चार्ज लिया है, वन यूनिट चार्ज लिया है, वो बहुत बड़ा चार्ज है। चार्जेस जो सराउंडिंग में है वो टेस्ट चार्ज सब पे फोर्स लगा के सराउंडिंग को डिस्टर्ब कर देगा, सराउंडिंग के चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन को डिस्टर्ब कर देगा। जो ओरिजिनल चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन वो रहने नहीं देगा, तो अगर जो इलेक्ट्रिक फील्ड वो मेजर करेगा, उससे जो मेजरमेंट होगा इलेक्ट्रिक फील्ड का, वो तो डिस्टर्ब चार्ज का इकाई इलेक्ट्रिक फील्ड का जो है वो मेजर करेगा, एक्चुअल मेजर नहीं होगा। जैसा कि करंट इलेक्ट्रिसिटी हम लोगों ने पढ़ा था बच्चों, वोल्ट मीटर, अगर हम वोल्ट मीटर मेजर करते या एमीटर लगाते थे तो आइडियल एमीटर लेते थे, बट एक्चुअली आइडियल अगर नहीं होता था तो वो कैसा मेजर करता था, क्या वोल्टेज मेजर करता था, उसको लगाने से सिस्टम में चेंज आ गया। जब सिस्टम में चेंज आ गया तो वो चेंज थिंग मेजर करता है। इज इट क्लियर? यस। तो एमीटर के बारे में करते थे यार, अगर एमीटर कनेक्ट करना है तो एमीटर का रेजिस्टेंस क्या होना चाहिए, जीरो, सो दैट कि उसका नेग्लिजिबल चेंज वो क्रिएट करे। वैसे ही वोल्ट मीटर को अगर करते थे तो इनफाइनाइट रेजिस्टेंस लेते थे, क्योंकि वो कुछ भी करंट ड्रॉ नहीं करे, इनफाइनाइट मतलब उसके आने से कोई चेंज ना हो, लेकिन कुछ तो होता ही था। तो जितना ज्यादा रेजिस्टेंस वोल्ट मीटर का होता था उसका मेजरमेंट उतना एक्यूरेट होता था। वैसे ही एमीटर में भी जितना रेजिस्टेंस कम होता था बच्चों उतना उसका मेजरमेंट करेक्ट होता था। रीजन इज उसको कनेक्ट करने से सर्किट के ओवरऑल रेजिस्टेंस पे, सर्किट के ओवरऑल करंट पे कोई डिस्टरबेंस ना हो। मनोले कुछ ज्यादा भी नहीं बताया है, अभी हम लोग बात कर रहे थे कि जो टेस्ट चार्ज होना चाहिए वो स्मॉल होना चाहिए, बिकॉज लार्ज चार्ज जो है सराउंडिंग के चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन को डिस्टर्ब कर देगा। इज इट क्लियर? ये सारी चीज जब तुम्हें हम 11, 12 में पढ़ाएंगे, मतलब जब सिलेबस आएगा इलेक्ट्रोस्टैटिक्स फिर से पढ़ाएंगे, देन वी वोंट एक्सप्लेन दिस थिंग्स। ये सारा जो पॉइंट है ये नहीं बताऊंगा, बिकॉज एक बार सुन लिया दैट्स इनफ। तो हमारा टाइम बहुत बचेगा वहां पे। दो चीजें तुम लोगों ने सीख लिया बच्चों, टेस्ट चार्ज शुड बी स्मॉल एंड टेस्ट चार्ज शुड बी पॉजिटिव। व्हाई पॉजिटिव? बिकॉज ये कन्वेंशन लिया गया, जैसे कन्वेंशन है कि इलेक्ट्रॉन्स के चार्ज को नेगेटिव लेते हैं वैसा ही। मतलब अगर ये डेफिनेशन हो गया, डेफिनेशन तो एफ इज इक्वल टू, हम ऐसा भी लिख सकते हैं क्या, अगर कोई कहा जाए कि यहाँ पे सपोज इलेक्ट्रिक फील्ड ई है और हमने कोई चार्ज क्यू वन यहाँ पे रखा, तो ये कितना फोर्स एक्सपीरियंस करेगा एफ वन, तो कहोगे क्यू वन इंटू ई, चार्ज इंटू ई। इज इट क्लियर? यस। अब सुन रहा, अगर मुझे पता है कि यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड ई है, अगर कोई चार्ज यहाँ पे है तो इट विल एक्सपीरियंस फोर्स क्यू इंटू ई। अगर कहो पॉजिटिव चार्ज है बच्चों, तो फोर्स जो होगा वो इलेक्ट्रिक फील्ड के डायरेक्शन में होगा, जो भी इलेक्ट्रिक फील्ड हमने बताया। अगर चार्ज नेगेटिव है तो फोर्स कैसा होगा, लेट्स माइनस क्यू, मतलब माइनस नेगेटिव चार्ज है और क्यू तो नेगेटिव है, लेट्स माइनस क्यू, तो फोर्स कितना हो जाएगा बच्चों यहां पे, मतलब E के अपोजिट, लिख लेना ये, फोर्स विल बी अपोजिट टू E। सो यहां के बाद, यहां के बाद हम लोगों का जो फोकस होगा बच्चों, फोर्स निकालना नहीं होगा, हम लोग क्या करेंगे, हमारा फोकस हो जाएगा किसी पॉइंट पे नेट इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगा, क्योंकि हमें पता है इफ वी नो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड एट एनी पॉइंट, और अगर वहां पे कोई चार्ज है और फोर्स ही निकालना है तो हम फॉर्मूला ये लगा देंगे। तो हमारा कंसर्न होगा टू फाइंड इलेक्ट्रिक फील्ड। नाउ
onwards we will discuss most of the thing on in terms of electric field. जब जरूरत पड़ेगा फोर्स का तो ये फॉर्मूला तो है। बोलो बच्चों यहां तक क्लियर? यस सर। आप कहोगे सर आपने इलेक्ट्रिक फील्ड का डेफिनेशन तो दिया बट मजा नहीं आया कुछ। फोर्स बाय ये देखो आप समझ में आएगा चीजें, वो डेफिनेशन बहुत मजा नहीं आया। मुझे निकालना बच्चों कि ये क्यू चार्ज है और ये यहाँ पे कितना इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस कर रहा है। ये क्यू चार्ज इस पर्टिकुलर पॉइंट पे कितना इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस कर रहा है तो लिखो क्यू इलेक्ट्रिक फील्ड। तो यहां बहुत मजा आएगा ड्यू टू पॉइंट चार्ज एट डिस्टेंस आर। देन यू विल से दैट जो सर आपने डेफिनेशन में दिया वही काम करते हैं। क्या करते हैं? टेस्ट चार्ज ले आते हैं। देखना कितना सिंपल है। टेस्ट चार्ज को यहां रखा। अब क्या करेंगे बच्चों? हमें निकालना है फोर्स। अभी तो हम लोग थ्योरी पढ़ रहे, एक्सपेरिमेंट थोड़ी कर रहे हैं। देखते हैं थ्योरी पढ़ रहे हैं तो जो थ्योरी हमने पढ़ा अभी तक क्या पढ़ा है? कूलम्स लॉ। बताओ फोर्स कितना हो जाएगा? फोर्स ऑन क्यू एफ क्यू क्यू बाय आर स्क्वायर। फोर्स ऑन क्यू हो जाएगा के क्यू इनटू क्यू अपॉन आर स्क्वायर। और सपोज इस डायरेक्शन पे यूनिट वेक्टर को आर कैप ले लेता हूं, इस डायरेक्शन के यूनिट वेक्टर क्यू पॉजिटिव है, ये भी पॉजिटिव है बच्चों, ये किधर फोर्स लगाएगा? इधर, क्योंकि ये तो पॉजिटिव है कन्वेंशन, ये क्यू दे दिया पॉजिटिव, दिस इज द फोर्स। अच्छा मुझे तो चाहिए था इलेक्ट्रिक फील्ड क्योंकि यूनिट चार्ज पे कितना लग रहा, क्या हो जाएगा बताइए? समझ में आया क्या? क्या अब फॉर्मूला याद कर लें ऐसे कि एक पॉइंट चार्ज क्यू है, इससे आर डिस्टेंस पे फील्ड जो हो जाएगा बच्चों ई के क्यू अपॉन आर स्क्वायर और यूनिट वेक्टर आर के। बच्चों बताओ ये क्लियर क्या? किधर होगा इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन? पॉइंट चार्ज पॉजिटिव चार्ज का इधर। कोई कहेगा सर अगर सपोज माइनस क्यू चार्ज है तो इस पॉइंट पे कितना फील्ड होगा? टेस्ट चार्ज रखेंगे क्यू, वेयर इट विल एक्सपीरियंस फोर्स इन दिस डायरेक्शन? इट विल एक्सपीरियंस फोर्स इन दिस डायरेक्शन, इट विल एक्सपीरियंस फोर्स इन दिस डायरेक्शन। यस सर। तो इलेक्ट्रिक फील्ड यहां पे क्या हो जाएगा बच्चों? यहां पे इधर हो जाएगा फील्ड। तो क्या लिखोगे? इज इक्वल टू लिखोगे के चार्ज मैग्नीट्यूड में लिखो के क्यू बाई आर स्क्वायर, लेकिन डायरेक्शन हो जाएगा माइनस आर का, जहां आर का यूनिट वेक्टर है। तो समझो पॉजिटिव चार्ज है इलेक्ट्रिक फील्ड रेडियली आउटवर्ड, नेगेटिव चार्ज है इलेक्ट्रिक फील्ड रेडियली इनवर्ड। क्या 100% क्लियर? रेडियली आउटवर्ड या रेडियली इनवर्ड का मतलब क्या है? देखो ये अगर एक स्फीयर है तो ये डायरेक्शन, इसको इस डायरेक्शन को क्या बोलेंगे? रेडियली आउटवर्ड, बाहर जा रहा डायरेक्शन। और अगर सपोज ये डायरेक्शन है ऐसा, इसको क्या कहेंगे? रेडियस के डायरेक्शन में, रेडियली इनवर्ड। बताओ ये क्लियर? Yes. देखो बच्चों प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन में बहुत अच्छे से स्टेट किया था, तुम लोगों ने समझ भी गया था, यहां भी प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन होगा, यहां भी प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन होगा।
दैट मीन्स किसी एक पॉइंट पे अगर नेट फील्ड निकालना है तो जितने भी चार्जेज हैं सबका फील्ड लिखेंगे, विच इज इंडिपेंडेंट ऑफ प्रेजेंस ऑफ अदर चार्जेज, एंड नेट फील्ड विल बी वेक्टर समेशन। तो मैं फिर से स्टेट नहीं कर रहा हूं, बच्चों एक प्लस क्यू है और एक और प्लस क्यू, और ये डिस्टेंस है सपोज 2a। अगर मैं बात करूं कि ये मिड पॉइंट पे, ये पॉइंट सपोज c है, व्हाट इज इलेक्ट्रिक फील्ड एट c? ये बच्चों सपोज a पॉइंट है, ए पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड कितना होगा? ये सपोज बी पॉइंट है, बी पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड कितना होगा? ये पॉइंट सपोज डी है बच्चों, डी पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड था, एम पॉइंट है, यहां इलेक्ट्रिक फील्ड था। ऐसे ही कुछ पॉइंट्स ले लिए, बहुत आराम से लिख सकते हो। लेट्स टॉक अबाउट इलेक्ट्रिक फील्ड एट सी, कैन यू फाइंड इट विल बी जीरो? यस सर। क्यों जीरो बच्चों? बिकॉज फील्ड कैसा है, वेक्टर क्वांटिटी या स्केलर क्वांटिटी? वेक्टर, वेक्टर। बहुत ही बढ़िया, तो दोनों का फील्ड कैसा है अपोजिट डायरेक्शन में? ये क्यू कहेगा यार फील्ड तो इधर होना चाहिए, ये क्यू कहेगा यार रेडियली आउटवर्ड इधर होना चाहिए, नेट क्या हो जाएगा? जीरो, तो ये हो गया नल वेक्टर। बच्चों ई ए की बात करते हैं, इसके कारण फील्ड इधर होगा तो जाएगा के पॉइंट चार्ज के कारण, बताया था के क्यू बाई आर स्क्वायर, के क्यू अपॉन ए बाई टू का स्क्वायर, के क्यू बाई आर स्क्वायर डायरेक्शन I cap। इसके कारण बच्चों के क्यू इंटू ए बाय टू का स्क्वायर डायरेक्शन माइनस आई कैप। इसके कारण नेट बच्चों ये डोमिनेट करेगा, करेगा डोमिनेट, कितना आ जाएगा के क्यू अपॉन ए स्क्वायर बाहर, बाय टू भी बाहर, तो हो जाएगा फोर। यहां बचेगा बच्चों वन माइनस वन बाय नाइन, मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड यहां पे पॉजिटिव होगा। बट व्हाट अबाउट हियर, ये डोमिनेट करेगा, इसका कारण इधर है, इसके कारण इधर है, डोमिनेट ये करे, क्या मैं लिखूं ई बी डायरेक्टली बच्चों? यही हो जाएगा एक्सप्रेशन फोर के क्यू अपॉन ए स्क्वायर नाइन माइनस वन एट बाय नाइन, लेकिन डायरेक्शन माइनस आई कैप। बताओ ई बी मैंने सही लिखा क्या? बिकॉज ये प्लस क्यू किधर फिल करेगा, इधर अबे अबे
और इसका इसका डोमिनेट करेगा यहाँ पे, चूंकि ये पार्ट इसके नजदीक है, ये इसका फील्ड डोमिनेट करेगा। यस सर। मुग्धा इज इट क्लियर? इसका फील्ड यहाँ डोमिनेट करेगा। यस सर। नाउ अगर हम डी पॉइंट पे निकाले तो बच्चों क्या तुम लोग खुद से कर सकते हो? ऐसा सवाल हमने कर लिया है। निमिषा कर पाओगे? ईशानी, मानस तो अभी तक नहीं सीरियल नंबर से ज्वाइन किया, प्रथमेश नहीं ज्वाइन किया है, प्रथमेश मानस तो सुन ही नहीं पा रहा, तो मिसिंग कौन है? 1 2 3 4, 4 मिसिंग है, 5 6 7 8 9 11, 9 10 11। फोर नाइन टेन इलेवन ट्वेंटी वन माइनस, तुम्हारा नेटवर्क कनेक्टेड नहीं है। चलो बच्चों, तो अभी हम लोगों ने ये देख लिया, आई होप कि सबने सॉल्व कर लिया होगा इस पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड, इसके कारण बच्चों इधर, इसके कारण भी इधर, दोनों के कारण सेम डायरेक्शन में। व्हाट विल द इलेक्ट्रिक फील्ड एट डी पॉइंट? क्यू बाई ए स्क्वायर आई कैप प्लस के क्यू बाई, इसके कारण क्यू अपॉन ए स्क्वायर कॉमन 1 प्लस 1/9 इतना है। कहने सारे बच्चों की व्हाट इज द इलेक्ट्रिक फील्ड एट दिस पॉइंट? इसके कारण इलेक्ट्रिक फील्ड इधर, इसके कारण बच्चों रेडियली आउटवर्ड, तो इसका ये कंपोनेंट होगा। इज इट क्लियर? अगर ये थीटा लिया, ये थीटा लिया, तो व्हाट विल द इलेक्ट्रिक फील्ड? एक के कारण इवन है तो इवन कॉस थीटा, टू इवन कॉस थीटा ये हो जाएगा। इवन कितना होगा? डायरेक्टली लिखो फॉर एम पॉइंट के क्यू अपॉन दिस डिस्टेंस का स्क्वायर, दैट मीन्स ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, दैट इज दिस स्क्वायर इंटू कॉस थीटा। कॉस थीटा कितना हो जाएगा? वाई अपॉन ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर का रूट। कुछ याद आ रहा है? ऐसा ही एक्सप्रेशन हमने और जगह पढ़ा है, फोर्स में भी निकाला था। यस, फोर्स में भी निकाला था। तो बच्चों यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड, यहाँ पर स्मॉल क्यू लगेगा, फोर्स हो जाएगा। फॉर व्हाट ए वाई ई विल बी मैक्सिमम, ऑलरेडी रिजल्ट का था याद रखने के लिए, प्लस माइनस ए वाई रूट। यस, ये जरूर याद रखना बच्चों, प्लस माइनस ए बाय रूट टू, यू मस्ट रिमेंबर दिस। अच्छा, अगर सवाल दे दिया क्यू और माइनस क्यू, कैन यू फाइंड इलेक्ट्रिक फील्ड एट सी? इज इट जीरो?
तो कितना आसान सा सवाल है। जीरो नहीं है सी पे। जीरो नहीं है, बहुत बढ़िया, जीरो नहीं। आई कैप या माइनस आई कैप? आई कैप, बहुत ही बढ़िया। इसके कारण बच्चों इधर ये माइनस क्यों, दैट्स व्हाई इसका भी इधर। सो ई एफ सी पॉइंट बहुत ही आसानी से लिख लेंगे के क्यू अपॉन ए स्क्वायर और डायरेक्शन इधर, इसका भी डायरेक्शन इधर सेम ही होगा डायरेक्शन बच्चों, माइक्रो भी सेम। इफ वी टॉक इतना आई कैप, इफ वी टॉक अबाउट डी पॉइंट, इसके कारण हो जाएगा के क्यू, देखो माइनस टू लिख रहा हूँ, के क्यू बाई ए स्क्वायर, डायरेक्शन हो जाएगा बच्चों माइनस आई कैप, बिकॉज पुल करेगा ये पुश करेगा। यहां तक क्लियर आए हो? है ना? Can you find electric field at this point? Can you find just directions किधर होगा इस पॉइंट पे? ये माइनस क्यू के कारण इलेक्ट्रिक फील हो जाएगा बच्चों इधर, और इस प्लस क्यू के कारण इलेक्ट्रिक फील हो जाएगा इधर। अगर सपोज इसका वैल्यू लिखा E1 तो इसका भी वैल्यू हो जाएगा E1, और लेट्स ये अगर एंगल थीटा है तो ये भी एंगल हो जाएगा थीटा, ये एंगल है थीटा। इलेक्ट्रिक फील्ड एट दिस पॉइंट नेट इज कर दो जाएगा बच्चों टू ई वन कॉस थीटा, थीटा इस बार देखो दूसरा लिया थीटा यहां से लिया, सो दैट विल बी टू इवन हो जाएगा के क्यू अपॉन ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, दिस डिस्टेंस इज वाई, इनटू कॉस थीटा, यहां पर थीटा आ जाएगा बच्चों कितना ए अपॉन ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर का रूट, टू के क्यू इंटू ए डिवाइड बाई यहां तक समझ में आया? यस सर, यस सर, ठीक है। यहाँ ही बच्चों मैं एक कंसेप्ट बताता हूं, इलेक्ट्रिक डायपोल, इसको अलग से पढ़ाते हैं, बहुत सारे केसेस हैं स्पेशल, बट यहाँ पे मैं बहुत डेप्थ में नहीं जाऊंगा, सिंपल सा रहेगा। इलेक्ट्रिक डायपोल बच्चों, इलेक्ट्रिक का मतलब हुआ चार्ज और डायपोल का मतलब दो पोल, एक प्लस क्यू और एक माइनस क्यू। इलेक्ट्रिक डायपोल क्या होगा, टू चार्जेस ऑफ इक्वल मैग्नीट्यूड एंड अपोजिट इन नेचर प्लेस्ड बिटवीन placed at
small distance apart. दो चार्ज, एक प्लस क्यू एक माइनस क्यू, स्मॉल डिस्टेंस से सेपरेटेड होता है तो उसको बोलते हैं कि ये एक इलेक्ट्रिक डायपोल है। हो गया सर, कितना स्मॉल, जो भी है बच्चों देखते हैं किसके कंपेरिजन में हम स्मॉल बोल रहे हैं। लेट्स सी डिस्टेंस है डी, तो डायपोल इसको माना है, दो पोल है, इसके कारण मुझे ना इलेक्ट्रिक फील्ड लिखना है डिफरेंट पॉइंट्स। इसको इसका एक स्पेशल केस है, उसके कारण हम डिफरेंट डिफरेंट पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड। आगे के एक और कंसेप्ट होता है बच्चों पोटेंशियल का, जो अभी तक बताया नहीं है वो भी डिस्कस कर सकते हैं। मानस, प्रथमेश, तुम दोनों सुन पा रहे हो क्या? प्रथमेश सीरियल नंबर से ज्वाइन नहीं करता है, मानस सुनाई नहीं दे रहा, उसको ऑडियो कनेक्टेड नहीं है उसका। यस सर, प्रथमेश अबाले चलो। तो बच्चों इसमें ना एक टर्म डिफाइन करते हैं, डायपोल मोमेंट, याद कर लेना है डायपोल मोमेंट। डायपोल मोमेंट को ना पी से डिनोट करते हैं और चार्ज इनटू दोनों के बीच का डिस्टेंस को बोलते हैं डायपोल मोमेंट। लेकिन डायपोल मोमेंट इज अ वेक्टर क्वांटिटी, ये डायरेक्शन कौन सा है? तो डी डैश डी वेक्टर लिख दिया। डी वेक्टर क्या होता है? माइनस क्यू से प्लस क्यू। डायरेक्शन ऑफ डी वेक्टर क्या हो जाएगा? फ्रॉम माइनस क्यू, दिस इज द बच्चों कन्वेंशन, डायपोल मोमेंट का डेफिनेशन ये, डायरेक्शन हम ऐसा लेते हैं। तो ये याद हो गया क्यू इंटू डी। या डी के जगह पे एक काम करते हैं, समझने के लिए टू ले लेते हैं जहां पे ये डिस्टेंस है। अच्छा, एक इलेक्ट्रिक डायपोल और ये सपोज ओरिजिन ले लिया और इस डायपोल के कारण फील्ड निकालना है। तो देखो अभी हमारा शिफ्ट कर गया प्रोग्राम, अभी तक हम पॉइंट चार्ज निकाल लिए, दो चार्जेस लिए, तीन चार्ज भी लिख सकते हैं। अभी एक स्पेशल केस ले रहे हैं। स्पेशल केस ये है बच्चों, स्पेशल केस ये है कि दो पॉइंट चार्ज इलेक्ट्रिक डायपोल के सेंटर से आर डिस्टेंस पे कितना इलेक्ट्रिक फील्ड होगा, और कंसेप्ट यूज कर रहे हैं कि आर जो है वो डी से बहुत बड़ा है, इसलिए कहा था कि ये डिस्टेंस बहुत छोटा है किसके कंपेरिजन में, जिस पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना उसके कंपेरिजन। बट इनिशियली हम ये कंडीशन नहीं लगाते, जनरल निकालते इलेक्ट्रिक फील्ड एट पॉइंट। बताओ बच्चों इसमें ऐसा लिख सकते हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू द प्लस चार्ज प्लस इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू द नेगेटिव चार्ज। वेक्टर में तो प्लस, अब इस प्लस क्यू के कारण देखो ये आई कैप में होगा, कितना होगा के Q अपॉन, इससे डिस्टेंस कितना हो जाएगा, ये डिस्टेंस है R, ये डिस्टेंस है A, इसके कारण क्या हो जाएगा प्लस आई कैप, इसके कारण कितना हो जाएगा बच्चों
माइनस आई कैप कितना हो जाएगा के, दो बार माइनस क्यू नहीं पुट करना है, के क्यू अपॉन व्हाट इज द डिस्टेंस आर प्लस ए, और ये क्या हो जाएगा माइनस आई कैप इसके टाइम अंदर। तो नेट फील्ड निकाल लेते हैं, के क्यू ये हो जाएगा आर माइनस ए का स्क्वायर, आई कैप कॉमन ले लेते हैं, माइनस यहां पे प्लस होगा और यहां पे माइनस, ये प्लस है ये माइनस। तो यहां तक क्लियर क्या? ये कितना हो जाएगा, ये चेक करो तो हो जाएगा फोर आर इंटू ए। देखा क्यू इंटू फोर ए है तो उसमें से टू ए, क्यू इंटू टू ए क्या हो जाएगा, क्यू इंटू टू ए को डायपोल मोमेंट डिफाइन किया है, तो Q इंटू टू ए को एक साथ ले लेते हैं तो जाएगा K एक टू बच जाएगा टू के इंटू पी अपॉन आर स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर का होल स्क्वायर इंटू आर, दिस इज द इलेक्ट्रिक फील्ड। बच्चों बताओ ये जनरल लिखा क्या सही लिखा? सर आपने वो लास्ट वाली स्टेप लिखी वो नहीं समझ में। हाँ बता देता हूं, देखो ये Q लिया और ये 2A लिया, 2A Q into 2A, Q into 2A क्या लेते हैं उसको डायपोल मोमेंट, 2A बचा रह गया, K रहा, इसको P लिख दिया, आई कैप भी है तो उसको P वेक्टर लिख दिया, डायपोल मोमेंट का डायरेक्शन यही है। बच्चों में कहो कि R is much much greater than A, तो क्या कहेंगे R square minus A square that is almost equal to R square, है कि नहीं? A बहुत छोटा है। अगर सपोज 1000 बोले 1000 is much much greater than 1, yes, तो 1000 का स्क्वायर तो 1 से 1 स्क्वायर से much much greater रहेगा। So R square minus A square is almost equal to R square. So can we put R to power 4, एक R गया बच्चों R cube. तो ये अगर तुम्हें अच्छे एग्जाम्स टारगेट कर रहे हो, NSCP क्वालिफाई करना है, KVPY निकालना है, so you should remember this form. इलेक्ट्रिक डायपोल के कारण फील्ड। अब ऐसे सवाल मेडिकल में आते हैं, पता है मेडिकल में क्या सवाल आते हैं? एक इलेक्ट्रिक डायपोल है, हाँ, पूछता आर डिस्टेंस पे फील्ड ई नॉट, तो बताओ इलेक्ट्रिक डायपोल से टू आर डिस्टेंस पे फील्ड यहां पे कितना होगा, ई नॉट होगा, E not by 2 होगा, E not by 4 होगा, E not by 8 होगा, 8 E not होगा,
E0 by 8। देखो मेडिकल में यही पूछा जाता है, बच्चे परेशान होते हैं, नीट में ऐसे सवाल आते हैं। बच्चों अगर r डिस्टेंस पे E0 है तो यहाँ पे जो है 2r डिस्टेंस पे E0 by, because 1 by r³ है, r अगर डबल कर दोगे तो 2 का³ 8 हो जाएगा बच्चों, 1/8 हो जाएगा। बच्चों क्लियर? लेकिन अगर सपोज ये डायपोल का जगह अगर पॉइंट चार्ज होता है तो पॉइंट चार्ज से r डिस्टेंस पर अगर E0 है तो 2r डिस्टेंस पे क्या होता है उस केस में? E0 by 4 होता है। बच्चों इसको बोलते हैं, ये जो पॉइंट अभी निकाला ना, इसको बोलते हैं इस पॉइंट को ऑन एक्सियल पॉइंट एक्सिस पे। तो लिखोगे ये जो फॉर्मूला लिखा फॉर एक्सियल पॉइंट, कैन यू फाइंड फॉर इक्वेटोरियल पॉइंट? तो मैं यहां डिराइव नहीं कर रहा हूं, यहां डिराइव नहीं कर रहा हूं सर। हाँ बोलो सर, आपने जो ऑन एक्सियल पॉइंट लिखा है तो फिर जो पहला वाला फॉर्मूला आपने बताया 2k डायपोल मोमेंट r अपॉन r स्क्वायर माइनस a स्क्वायर का स्क्वायर, वो भी एक्सियल पॉइंट के लिए वैलिड है? मतलब यही है मेन फॉर्मूला, तो यही है ना मेन फॉर्मूला, यही है एक्सियल पॉइंट के लिए। अभी ये जो लिखा ये स्पेशल केस हो गया, क्या स्पेशल केस है? आर इज मच मच ग्रेटर देन के, तो मेन फॉर्मूला ये, इसी को सिंपलीफाई करके ये कर दिया। ओम क्लियर? यस। अगर मैं पूछ रहा हूं कि ओम क्लियर, तो ओम मतलब तुम्हारा नाम लेना है, अदरवाइज तुम्हारा पूरा नाम क्या, ओम कुमार मिश्रा, इतना पूरा लेना पड़ता, तो स्पेशल केस लिया क्योंकि तुम ही एक ओम नाम के बच्चे है ना। सर तो ये स्पेशल केस है, लेकिन अगर तुम्हें कहीं लिखना है प्रॉपर लिखना है, अगर जनरल केस लिखना है तो दिस इज द जनरल केस। चलो बच्चों, तो कैन यू गेस बच्चों कि ये फॉर्मूला, इसको बोलते हैं बच्चों इक्वेटोरियल पोजीशन, इक्वेटर। इक्वेटोरियल पोजीशन इसको बोला है, तो ये हो गया माइनस क्यू और ये हो गया बच्चों प्लस क्यू। कैन यू गेस कि किधर फील्ड होगा इसका? डायपोल मोमेंट के डायरेक्शन में, डायपोल मोमेंट के परपेंडिकुलर, डायपोल मोमेंट के अपोजिट? सर अपोजिट। यस अपोजिट होगा बच्चों। देखो ये और ये का रिजल्टेंट इधर होने वाला, डायपोल मोमेंट इधर, और मैं ये डिराइव नहीं कर रहा हूं, इक्वेटोरियल पोजिशन E for equatorial that is equal to KP upon RQ, R ये distance है, और R अभी ले रहा हूं बच्चों much much greater than K, इसके बीच का distance, लेकिन dipole moment के opposite है, that's why minus sign इधर हो। आज हमने क्या पढ़ लिया? इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू द डायपोल। बच्चों इंटीग्रेशन के एप्लीकेशंस पे कुछ सवाल है, क्या वो कराएं ऐसे सवाल? कर पाओगे? हाँ सर, हाँ सर। देखते हैं।
अभी डायपोल हम और आगे पढ़ाएंगे, बट अभी डायपोल डन हो गया यहाँ पे। ये दोनों फॉर्मूला इंपॉर्टेंट है, ये दोनों फॉर्मूला याद कर लेना। तो अभी तक हमने जो पढ़ा, इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू द डिस्क्रीट चार्जेज, एक पॉइंट चार्ज है, दो पॉइंट चार्ज हो, तीन पॉइंट चार्ज, लेकिन पूछा जाए इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू कंटिन्यूअस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन, जहां पे हमें अप्लाई करना पड़ेगा इंटीग्रेशन का कंसेप्ट। अच्छा, तुम लोगों को सुनार सर ने वर्क पावर एनर्जी पढ़ाया क्या, या नाइन्थ में पढ़े हो वर्क पावर एनर्जी? हाँ सर, यस सर, नाइन्थ में पढ़ाया सर। ठीक है, तो थोड़ा थोड़ा पढ़ा, तो थोड़ा सा एक कंसेप्ट यहाँ पे पोटेंशियल का भी ले लेंगे, तो और अच्छे से समझ में आएगा। तो नेक्स्ट क्लास में मैं पोटेंशियल पढ़ाऊंगा। इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू कंटिन्यूअस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन, बहुत ही सिंपल सा केस ले रहा हूं। तो अगर एक चार्ज लिया, जो चार्ज एक रिंग के सरफेस पर डिस्ट्रीब्यूटेड है यूनिफॉर्म, यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन, कैन यू फाइंड व्हाट इज द इलेक्ट्रिक फील्ड हियर? जीरो, बिकॉज यूनिफॉर्म है। तो जितना ये करेगा, बच्चों ऐसे ले लो, जितना ये करेगा उतना ये करेगा, आपको डायरेक्शन में करेगा, जितना ये करेगा बच्चों उतना ये करेगा, आपको डायरेक्शन में, कैंसिल हो जाएगा, यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड हो जाएगा जीरो। लेकिन सोचो बच्चों, मैंने क्या किया, मैं फुल रिंग ले लिया, हाफ रिंग, इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू द हाफ रिंग। इस चार्ज के कारण इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन क्या हो सकता है? कैन यू गेस? देखते तुम लोग ब्रिलियंट बच्चे हो, ऐसे हो, वन डायरेक्शन होगा, टू डायरेक्शन होगा, थ्री डायरेक्शन होगा, या फोर डायरेक्शन होगा, या फाइव, किस डायरेक्शन में इलेक्ट्रिक फील्ड होगा बच्चों? टू, एकदम सही। टू इज द करेक्ट डायरेक्शन, डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। थ्री ने लगा, थ्री यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन, यूनिफॉर्म, तो टू इज द करेक्ट आंसर। बच्चों अभी तो हमने मैकेनिक्स भी नहीं पढ़ा है, अप्लीकेशन ऑफ इंटीग्रेशन बच्चों यहाँ से स्टार्ट कर देते हैं, यहाँ से सीखोगे हाउ टू कंसिडर एलिमेंट। सो यू आर गोइंग टू लर्न अ वेरी इंपॉर्टेंट थिंग, चार्ज इज प्लेस्ड ऑन सरफेस, सॉरी ऑन ए लेंथ, ऑन ए रिंग सरकमफेरेंस पे, लाइन पे चार्ज है बच्चों। यहां पे कैसा चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन है? लीनियर चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन है। सर लीनियर क्यों? लीनियर का मतलब एक लाइन पे, सरफेस पे रहेगा तो एरियल चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन या एरिया में डिस्ट्रीब्यूशन, सरफेस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन, और वॉल्यूम में होगा तो तीन टाइप का चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन होगा, आइदर एक लाइन पे स्प्रेड है चार्ज, या सरफेस पे यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है, या वॉल्यूम में, है ना? तीन केसेस होंगे, बोलो। तो अब बच्चों अगर मैं पूछूं एक वर्ड, एक टर्म डिफाइन कर रहा हूं, लीनियर चार्ज डेंसिटी, लीनियर चार्ज डेंसिटी, सो हाउ इट विल बी डिफाइंड?
चार्ज ऑन यूनिट लेंथ. ओके, चार्ज ऑन यूनिट लेंथ दैट इज कॉल्ड लीनियर चार्ज डेंसिटी. तो अगर कोई कहे कि सपोज ये लेंथ एक रॉड का लेंथ है एल और इस पे चार्ज टोटल क्यू चार्ज यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है, क्यू चार्ज यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है, सो लीनियर चार्ज डेंसिटी तो जनरली लैम्डा से डिनोट करते हैं. तो लैम्डा इज इक्वल टू क्या लिखेंगे बच्चों, क्यू चार्ज एल लेंथ में टू यूनिट लेंथ में इतना चार्ज. इज इट क्लियर? तो ये कंसेप्ट तो क्लियर ना, तुम्हें बताने की बहुत ज्यादा जरूरत नहीं है. क्यू बाई एल अच्छा, अगर एक सवाल देते हैं ऐसे कि क्यू चार्ज जो है यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है ऑन ए वायर, रेक्टेंगुलर वायर फ्रेम, ऑन ए रेक्टेंगुलर वायर फ्रेम टोटल चार्ज क्यू, तो व्हाट इज लीनियर चार्ज डेंसिटी? क्यू अपॉन टू इनटू ए प्लस. बहुत ही बढ़िया. अरे बच्चों सवाल ऐसे दे दे, एक हाफ रिंग पे, हाफ रिंग पे लीनियरली चार्ज डिस्ट्रीब्यूटेड है, यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है, चार्ज डेंसिटी इज लैम्डा, तो इस पे टोटल चार्ज क्यू क्या होगा इफ रेडियस इज सपोज आर? व्हाट इज द टोटल चार्ज ऑन दिस हाफ रिंग? Q by L को lambda बोलते हैं बच्चों. Q is equal to क्या लिख सकते हैं? L into lambda. L into lambda into what is the length? Pi into R. So now you are comfortable. इधर lambda दिया हो तो Q निकाल सकते हैं. Q दिया हुआ तो lambda निकाल सकते हैं. आई बात समझ में? Yes sir. Near charge density का. चलो बच्चों अब आज का ये लास्ट कंसेप्ट जो बहुत से बच्चों को हो सकता है समझ में नहीं आया. तो देखो चार्ज जो है ना कंटिन्यूअसली डिस्ट्रीब्यूटेड है, हाउ वी विल फाइंड एलिमेंट? अब क्या करना होगा, बहुत सारे पॉइंट चार्ज से बना हुआ, मुझे यहां पे इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना, तो मुझे हर पॉइंट चार्ज को कंसिडर करना होगा. एक जनरल पॉइंट चार्ज ले रहा, तो जब बच्चों यहाँ पे एक सर्कुलर टाइप का चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन है, सर्कल पे है, तो इन दैट केस वी टेक दिस टाइप ऑफ एलिमेंट. यहां से थीटा एंगल पे एक छोटा सा एंगल लेते हैं डी थीटा, और ये चार्ज को कंसीडर करते हैं. दिस इज अ पॉइंट चार्ज, दिस इज एलिमेंटल चार्ज. कैसे लिया बच्चों? यहां से थीटा एंगल, एक छोटा सा डी थीटा एंगल सब्सटेंड करने वाला एलिमेंट, छोटा सा, तो दिस इज अ पॉइंट चार्ज. इस पॉइंट चार्ज के कारण यहां पे कुछ इलेक्ट्रिक फील्ड हुआ. सपोज ये इलेक्ट्रिक फील्ड बहुत छोटा होगा बिकॉज ये चार्ज बहुत छोटा है, बहुत छोटा है. डी थीटा कितना है? बहुत ही छोटा. कुछ तो होगा, लेट्स दिस इज डी, ये थीटा तो ये थीटा. सारे बच्चे ध्यान सुनो, ऐसे ऐसे एलिमेंट बहुत सारे हैं, मुझे तो सबसे पहले ये एलिमेंट चाहिए. तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है इंटीग्रेशन का एप्लीकेशन, लेकिन ये पूरा अभी समझ में आएगा बिकॉज एकदम से पहली बार तुम यूज कर रहे हो. क्योंकि ये बहुत सारे चार्ज है, कंटिन्यूअस डिस्ट्रीब्यूशन है, तो उसमें एक एलिमेंट कंसीडर कर. एलिमेंट का मतलब वैसे वैसे चार्ज से पूरा सिस्टम बना हुआ है.
तो इस टाइप के सिमेट्री में ऐसा ही एलिमेंट लेते हैं थीटा और डी थीटा। मान लो बच्चों इसमें जो चार्ज है ना, चार्ज डेंसिटी सपोज लैम्डा, चार्ज डेंसिटी सपोज लैम्डा, मुझे इस पे चार्ज लिखना है डी क्यू, मतलब एलिमेंट पे चार्ज, छोटा सा चार्ज। तो अगर सर डी क्यू जो हो जाएगा लैम्डा इंटू लेंथ ऑफ द एलिमेंट, लेंथ ऑफ द एलिमेंट आया समझ में ये? यस यस। लीनियर चार्ज डेंसिटी इनटू लेंथ ऑफ द एलिमेंट, एलिमेंट का लेंथ कैसे लिखें आप? ये रेडियस आर है, कोई बता सकता है ये लेंथ कितना होगा? यू नो सम फॉर्मूला, आर्क लेंथ क्या होता है? थीटा इज इक्वल टू एल बाय आर, पढ़े ना आर्क लेंथ बाय आर, तो आर्क लेंथ क्या हो जाएगा आर थीटा। तो ये तो डी थीटा एंगल है ना, तो ये वाला जो पार्ट हो जाएगा बच्चों ये हो जाएगा आर इनटू डी थीटा। तो आज एक नया चीज सीखा है, आर इनटू डी थीटा। अब कहोगे सर अगर ये डी क्यू है तो व्हाट इज डी, डी कितना है? डी विल बी के डी क्यू अपॉन आर स्क्वायर। बच्चों अलग अलग अगर चार्ज लेंगे ना तो ये डी अलग डायरेक्शन अलग होगा। तो एक काम करते हैं, डी का दो कंपोनेंट, एक इधर डी कॉस थीटा ये हो जाएगा बच्चों, इसको लिख सकते हैं डी का एक्स कंपोनेंट, और एक हो जाएगा डी वाई जो हो जाएगा डी साइन थीटा। तो एक काम करते हैं, मैंने सबका एक्स कंपोनेंट ऐड करता हूं, क्या करता हूं सिर्फ एक्स कंपोनेंट को ऐड, मतलब मुझे जो निकालना है बच्चों वो ex निकालना है। ex जो निकालेंगे सिर्फ x कंपोनेंट, तो dx का इंटीग्रेशन करेंगे। इसका मतलब k dq अपॉन r स्क्वायर हो गया d, और x कंपोनेंट ले रहे हैं cos थीटा, इसको इंटीग्रेट। मुझे पता है इसको दोबारा मुझे बताना पड़ेगा, कुछ बच्चे जान रहे हैं। DEY y डायरेक्शन का अगर इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है बच्चों तो इसको इंटीग्रेट करें। लेकिन अगर मैं थोड़ा सा ना आइडिया देता हूं, उससे मैं विजुलाइजेशन के लिए देता हूं, अगर मैं यहाँ पे थीटा एंगल पे ये एलिमेंट लिया, अगर ये थीटा एंगल पे एक और एलिमेंट ऐसा लिया यहाँ पे, तो इसका फील्ड बच्चों इधर हो जाएगा, जस्ट फॉर एन आइडिया, सिमेट्रिकली लिया, इसका दो कंपोनेंट डी कॉस थीटा इधर और डी साइन थीटा इधर, कैन वी से कि इसका और इसका जो है ये कंपोनेंट तो ऐड हो रहा और ये कंपोनेंट कैंसिल कर, मतलब इसके ऊपर जितने भी एलिमेंट है उसके लिए इधर भी एक करेस्पॉन्डिंग एलिमेंट है जो इस डायरेक्शन का फील्ड को कैंसिल कर देगा और इस डायरेक्शन फील्ड के डायरेक्शन का फील्ड ऐड होगा, मतलब नेट फील्ड इधर ही होने वाला। ये जो ई एक्स होने वाला है यही नेट होने वाला है, बट अगर विश्वास नहीं है तो डी ई वाई निकालने के लिए डी साइन थीटा को इंटीग्रेट करेंगे, देन यू विल फाइंड कि ये जीरो आ जाएगा, जीरो आ जाएगा, तभी तो हम लोग ये देखते हैं। सही है, डी क्यू को क्या हम यहां से लिख सकते हैं, तो ई एक्स
के डी क्यू का वैल्यू यहां से पुट करें बच्चों, लैम्डा आर डी थीटा अपॉन आर स्क्वायर, और ये हो जाएगा कॉस थीटा। इंटीग्रेशन थोड़ा सा याद करना होगा बच्चों, याद आता है कि नहीं? अगर टफ जाए तो बता देना, क्योंकि तुम लोग अभी सर आपने नीचे क्या लिखा है वो आप बता सकते हो? कहां पे सर अभी जो लिखा है k लैम्डा r d थीटा अपॉन, यही क्या लिखा है? dq को सिर्फ ये पुट कर दिया, dq को ये पुट कर दिया। अच्छा एक r तो चला जाएगा, और कांस्टेंट जो है वो k लैम्डा अपॉन r बाहर ले लिया, और बचा क्या बच्चों? कॉस थीटा डी थीटा। लेकिन जो इंटीग्रेट करें, हमारा एलिमेंट कहां से कहां तक है? फ्रॉम वेयर आवर एलिमेंट स्टार्ट्स, यहां से। मतलब मैंने यहां से थीटा लिया तो ये वाला एंगल को क्या कहेंगे? यहां से रेफरेंस लिया तो इस एंगल को बोलेंगे बच्चों माइनस 90 डिग्री, मतलब पाई बाई टू से ले करके ये एलिमेंट तक लेंगे तो प्लस पाई बाय टू। दिस इज आवर लिमिट, दिस इज कॉल्ड लिमिट। कॉस थीटा का इंटीग्रेशन, डू यू रिमेम्बर? साइन थीटा, साइन थीटा, साइन थीटा, और लिमिट पुट कर देंगे बच्चों माइनस पाई बाय टू से पाई बाय टू, साइन पाई बाय टू वन माइनस साइन माइनस पाई बाय टू माइनस वन, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा और यह आ जाएगा 2k लैम्डा अपॉन r। तो ई एक्स है बच्चों, वही नेट ई है, 2k लैम्डा बाय r। दिस इज द चार्ज डिस्ट्रीब्यूटेड ऑन ए हाफ रिंग, सेंटर पॉइंट पे हाफ रिंग के कारण ये फील्ड निकाला। सोचो कि आज इसको दोबारा कर लेंगे कि ये एप्लीकेशन ऑफ इंटीग्रेशन है, उसका रिजल्ट याद कर ले। तो दो तीन फॉर्मूले आज बताए, नए फॉर्मूले थोड़ा थोड़ा करके जो डेवलप होगा ना, कुछ कुछ चीजें याद रखो, दो बार पढ़ो ध्यान में रह जाएगा, इस वक्त की रट्टा मार और समझ।